अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 27 तारीख है। ये मेरे बगीचे के एक हिस्से में आलू बुखारे का एक दरख्त है। अब बर्ड ग्राफ्टिंग का वक़्त यहाँ के मौसम के हिसाब से गुज़र चुका है, इसलिए मैं चिप ग्राफ्टिंग का तरीका इस्तेमाल करूँगा। इस सयान से मैं ये बड इस्तेमाल करूँगा, तो इसके लिए बड से नीचे एक कट लगाएं तकरीबन 40-45 डिग्री का, और अभी चाकू को तकरीबन आधा इंच बढ़ के दूसरी तरफ ले जाएं और नीचे से बढ़ को काटना शुरू करें। ये बड तैयार हो गया है। ये मेरे पास एक बड है। अभी इसी साइज को जेन में रखते हुए दरख्त की इस शाख पे एक 45 डिग्री का, 40-45 डिग्री का कट लगाएं और फिर एक ऊपर से नीचे की तरफ कट लगाएं, और इसका साइज़ उसके बराबर होना चाहिए जो बड़ा काटा गया है। ये जो कट लगाया है ये थोड़ा सा मज़ीद गहराई तक जाए, तो आप जब इस बड को फिट करेंगे तो ये उसको अपनी जगह पे रखने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अभी प्लास्टिक की इस पट्टी से इसको अपनी जगह पे बांध दें। अभी चाकू की मदद से ये इजाफी पट्टी काट लें। ये आपका एक बड मुकम्मल हो गया है, और इस पे मैंने अभी मैंने इस लेबल पे तारीख और इसकी वैरायटी का भी इंदराज कर दिया है। अभी मैं इस पे एक पैबंद और लगाऊंगा, और उसके लिए भी मैं चिप बडिंग का तरीका इस्तेमाल करूंगा। तो चिप बडिंग के लिए ये मैं दरख्त का
ये मेरे पास वैरायटी जो है मैं इसका ये चिप इस्तेमाल करूँगा, तो चिप के निचले हिस्से पे चिप से आधा इंच दूर एक कट लगाएं। अभी चाकू को बाहर निकाल के तो चिप से आधा इंच ऊपर टक लगाना शुरू करें और ये चिप के नीचे इस तरह लकड़ी को स्लाइस करते जाएं। तो ये चिप मैंने उसमें से काट लिया है शाख के इस हिस्से पे, एक 40-45 के जाविये पे एक कट लगाएं। अभी इसके ऊपरी हिस्से पे नीचे की तरफ एक कट। अभी ये कटाई मैंने कर दी है। इस तरह लकड़ी में जगह बन गई है, और अगर आप चिप को इस तरह नीचे दबाएं तो वो उस जगह में फिट हो जाएगा उस कट में, और नीचे गिरने से वो कट जो है वो चिप को नीचे गिरने से रोकेगा। अभी प्लास्टिक की ये पट्टी लेके इसको नीचे से बांधना शुरू करें और ये ध्यान में रखें चिप अपनी जगह से हरकत ना कर सके। इस तरह ये एक गिरा लग गई है। अभी एक गिरा और लगा दें। चाकू से फालतू पट्टी को काट दें। इस तरह मैंने उसी शाख पे दो पैमंद लगा दिए हैं और दोनों की वैरायटी एक ही है। इंशाल्लाह मौसम बहार में इससे आपको आगाह कर दूंगा कि ये कामयाब हुआ है या नहीं।